लंग ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड, जिसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार दुरैया अपनी माँ को आकर कहती कि माँ जी, आप इस लड़की को इस जहाँ से निकालती हैं तो ठीक है, वरना इस लड़की की अगर शादी ना होती ना हुई तो मेरा जो घर है वो बर्बाद हो जाएगा। माँ जी बातें सुनती तो समझाने की कोशिश करती और कहती कि बेटा मैं क्या करूँ, मैं तो खुद इससे बड़ी तंग हो चुकी हूँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है लेकिन ये मनहूस है, वो जाने का नाम तक नहीं लेती। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं, कैसे इस लड़की को इस घर से निकालें। तो इस बात पे चलो ये कहती कि मुझे इस बात पे कोई भी डिस्कस नहीं करनी, जो बात मैं आपको कह रही हूँ वही आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। इस लड़की को अगर आप इस घर से नहीं निकालती ना तो समझो कि आपकी जो बेटी का घर है वो बर्बाद हो जाएगा। तो फौरन से वो शाना बेगम कहती है कि अल्लाह करे ऐसा ना हो बेटा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाज की माँ के साथ बात करती हूँ और बोलूँगी वहाज से कि वो वहाज भी दूर हो जाए। तो ये कहती कि नहीं नहीं माँ जी, आपने सारा की तरफ से जो कुछ भी करना है सिर्फ उस इधर से करना है, उधर से आपने कुछ भी नहीं करना, उधर से आपने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो घर में नया तमाशा खड़ा हो जाएगा, मेरी शामत आ जाएगी और मैं इस तरह के जो माहौल में नहीं आगे बढ़ाना चाहती, प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सारा की माँ को भड़काने की कोशिश करें, उससे कहें कि वो इसकी शादी जल्द से जल्द करवा दे। तो फ़ौरन जवाब देती शाना बेगम, उससे कहती अच्छा ठीक है मैं कुछ करती हूँ, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि बहुत ज़्यादा सारा की हालत ख़राब होती है, जिसके पास आता है दनियाल और आकर बात करता है और कहता है कि आपको हो क्या गया है, आप इस तरह परेशान रहेंगी तो आपको पता है कि कितने मसले खड़े होंगे, प्लीज़ अपने आप को सेट करने की कोशिश करें। तो साफ अल्फाज में सारा इनकार कर देती है और कहती है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है आपको क्या लगता है कि मैं सेट हो जाऊँगी। तो फौरन सब तो ऐसे कहती है कि जो कुछ भी होना था हो चुका है, आप क्या इसी तरह परेशान बैठी रहेंगी, अब अगर इसी तरह परेशान रहेंगी तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, प्लीज़ अपने आप को सेटल करें और हालात का मुकाबला करें, सारा टूट जाओगे अगर तुम्हें सराहोगे। वो कहती है कि अब कुछ सराहा ही नहीं है, सब कोई तो टूट चुका है, एक पापा था जो मेरे ऊपर यकीन करता था, उसने मेरे ऊपर यकीन नहीं कि मुझे ऐसे बुला दिया छोड़ दिया तो फिर सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो दनियाल कहते हैं कि नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप सिर्फ और सिर्फ ख़त्म हुई हैं, बाकी हर चीज़ मौजूद है, बस आपको स्टेबल करना पड़ेगा और हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मैं इतना